मास्टर डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट और आज इस वीडियो में हम जानेंगे हैंड एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस रिंग। हम बहुत बार एक्सरसाइजेस करते हैं, जनरली थेरेपिस्ट डॉक्टर्स पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको इनिशियल स्टेज में कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और जब पेशेंट्स इनिशियल स्टेजेस में एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स जब उनकी होनी शुरू हो जाती है, तो पेशेंट्स फील करते हैं एक हाथ में स्ट्रेंथ आना, और जब उनको स्ट्रेंथ महसूस होती है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि खुद से कॉम्बिंग करना, खुद से अपना मग उठाना, वाटर बॉटल उठाना, या फिर खुद से खाने की भी कोशिश करना। और साथ ही साथ जब हम एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन करते हैं तो उसमें हाथों का यूज़ करना, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मेरे हाथ साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं। सेम हम पेशेंट्स के साथ भी करते हैं, जब हम पेशेंट्स से कॉन्वर्जेशन करते हैं तो उनसे हम बोलते हैं कि आप अपने हाथों की मूवमेंट करो बेस्ट पॉसिबल, अगर आप अपना मग उठा सकते हो, अपना चाय का कप उठा सकते हो, अपनी वाटर बॉटल उठा सकते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम पेशेंट्स को करने के लिए इंगेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेटर स्टेजेस में जब आपको रिकवरी दिखनी शुरू हो जाए तब आप इस रेजिस्टेंस रिंग के साथ एक्सरसाइज कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर रिंग से ही एक्सरसाइज करनी है या फिर हमें ये कलर चूज़ करना है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, जब भी आप ये रिंग्स खरीदेंगे, ऑनलाइन शॉप करेंगे या फिर शॉप से अगर कभी भी लेंगे, तो आपको हमेशा 3 कलर्स की रिंग्स देखने को मिलेंगी। पहला ग्रीन, दूसरा येलो एंड थर्ड वन इज़ डार्क ब्राउन। लेकिन आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने ग्रीन कलर का रिंग यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है ये भी हम जान लेते हैं। ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस रिंग सबसे ज़्यादा लीस्ट रेजिस्टेंस का होता है, यानी जब हम शुरुआती दौर में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जब हम एक्सरसाइजेस की थोड़ी सी रेंज बढ़ाना शुरू करते हैं तो एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए हमें रेजिस्टेंस बैंड्स यूज़ करने होते हैं। बैंड्स के साथ भी मैंने अपनी पहले एक वीडियो बनाई है, लेकिन आज इस वीडियो में हम रिंग के हेल्प से एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको हमेशा इनिशियल स्टेज में ग्रीन कलर का रिंग प्रेफर करना है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो पावर है, वो थोड़ी सी कम है, तो पेशेंट्स कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं होती कि हम कुछ हैवी ऑब्जेक्ट पकड़ सकें, तो आपको हल्के रेजिस्टेंस के साथ एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले जो आपको करनी है मूवमेंट, वो क्या है? आपको अपनी रिंग आपके हाथ में पकड़नी है, क्योंकि आप पेशेंट इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि वो होल्डिंग्स कर सकें, मतलब अपना सामान ग्रैब कर सकें। तो आपको ये रिंग ग्रैब करनी है और इसको कंप्रेस करना है, मतलब अपनी पांचों फिंगर्स से, पूरे हैंड की हेल्प से आपको इसको ग्रैब करना है लाइक दिस और छोड़ देना है। आप होल्ड नहीं करेंगे, जब हम पहली एक्सरसाइज करते हैं तो हम होल्ड नहीं करते हैं, सिर्फ आपको कंप्रेस करना है एंड रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स। ये आपको एटलीस्ट 10-15 टाइम्स करना है। अब सेकेंड एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, तो अभी आपने सिर्फ कंप्रेस किया एंड यू रिलैक्स, लेकिन जब हम सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, और जब आप रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाओगे उसके लिए आपको होल्ड करना है। तो आप जब भी होल्ड करोगे तो आप फील करोगे आपकी फिंगर्स की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं या फिर आपकी रिस्ट की जो मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पर आपको हल्का सा स्ट्रेच महसूस होगा, और जब आपको स्ट्रेच महसूस हो, यानी आपकी मूवमेंट्स इंप्रूव हो रही हैं, आपका मसल एक्शन इंप्रूव हो रहा है। अब जितनी देर मैंने आपको समझाया मैंने होल्ड करके रखा, अब हम रिलैक्स करेंगे। अब आप कैसे होल्ड करोगे, कितने सेकंड्स का होल्ड करोगे, तो आपको स्टार्टिंग में 5 सेकंड्स का होल्ड रखना है। अब जब हम 5 सेकंड्स का होल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, आप पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि हम हर बार स्टॉपवॉच लगा के रखें या फिर हर बार आपके साथ कोई हो काउंट करने के लिए, तो आपको खुद से कैसे करना है? आप कंप्रेस करोगे और इस वाले हैंड से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स रिलैक्स। अब इससे क्या हो रहा है, आपके दोनों हैंड्स इंगेज्ड हैं, आपकी मूवमेंट्स दोनों हाथों से हो रही है, एक से हम रिंग से कर रहे हैं और दूसरे से हम काउंट करने से कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इनिशियली एक्सरसाइज शुरू करते हो, मतलब जब हम अर्ली स्टेजेस में एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो हम 5 रेपिटेशंस करेंगे, उसके साथ साथ हम अपना टाइम भी बढ़ाएंगे और साथ में रेपिटेशंस भी बढ़ाएंगे। अभी आपने कंप्रेस किया, होल्ड किया, आपने 10 कर लिए, 15 कर लिए, फिर हमने होल्ड करने वाले सिर्फ 5 किए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप 5 से 7 करेंगे, 10 करेंगे, और धीरे धीरे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहुत बार पेशेंट्स की एक क्वेरी होती है या फिर वो एक्सरसाइज करने से पहले ही घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम कैसे करेंगे, क्योंकि जहाँ पे ये वर्ड आता है रेजिस्टेंस पार, वहाँ पे पैरालिसिस पेशेंट्स को ये लगता है कि एक तो हाथों में पहले ही ताकत नहीं है, ऊपर से हम इतनी मेहनत वाली एक्सरसाइजेस कैसे कर पाएंगे। तो आपको पहले कंफर्टेबली एक्सरसाइज समझनी है, करके देखनी है,
कोई भी डॉक्टर, कोई भी थेरेपिस्ट या फिर मैं खुद आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप एक साथ ही 10 रेपिटेशंस कर लो, 15 रेपिटेशंस कर लो, चाहे आप एक करो, धीरे धीरे आप सुबह एक करो तो शाम को आप खुद से इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे कि आप 2 से 3 भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमें दिखता है कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जब आपको दिखेगा कि हाँ ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल है, ये रेजिस्टेंस रिंग बेनिफिशियल है, तो धीरे धीरे आप कलर कोड के अकॉर्डिंग भी अपनी एक्सरसाइजेस सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद हम येलो, ब्राउन और भी बहुत सारे शेड्स आते हैं जिनके साथ हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी रिंग्स खरीदेंगे, आप रिंग्स चेक करके खरीदेंगे, क्योंकि पेशेंट्स को अपनी रेंज के अकॉर्डिंग रिंग्स खरीदनी है। बाकी हम रेजिस्टेंस रिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं और कौन सी मॉडिफाइड एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आपको अगर लग रहा है कि मैं इजीली और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकता हूँ, तो आप जितना मर्जी इस रिंग का यूज़ करके एक्सरसाइज कर लोगे, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करते हैं जो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि उसमें मेहनत और ज़्यादा लग रही है, इसीलिए इसको हम तीसरे नंबर पर करेंगे, ताकि पहले हल्की फुल्की हाथ की मूवमेंट आपकी हो जाए, उसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको करना क्या है, ये रिंग है, रिंग के अंदर आपको ऐसे हैंड की शेप करनी है और यहाँ पे ऐसे इसको अंदर फंसा लेना है अपने हाथ को। जब आपको दिख रहा है कि आपकी सारी फिंगर्स यहाँ पे इंगेज हो गई हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी फिंगर्स खोलने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे होगे तो मेरी फिंगर्स ओपन हो रही हैं, एंड रिलैक्स, फिर से खोलेंगे एंड रिलैक्स। अब ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, तो हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है। लेकिन जब पेशेंट्स ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपकी सारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, सारी मसल्स इंगेज हो रही हैं, और जहाँ आपकी मसल्स अच्छे से एक्सरसाइज में इंगेज होती हैं, वहाँ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इन्हेंस होता है, आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपकी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस, हर चीज़ एक साथ आके एक्शंस परफॉर्म करती है। आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन जब भी आप रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स और ज़्यादा इंगेज होती हैं, साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन भी, हमारी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। आई होप वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं आपको रेजिस्टेंस रिंग के साथ, वो आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, या फिर पहले आपको एक्सरसाइज करो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्सरसाइजेस आपको पूछनी है, कंसल्ट करना है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। आप डायरेक्टली आके मुझसे भी मिल सकते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम से भी मिल सकते हैं, बेस्ट कंसल्टेशन, बेस्ट मेडिसिन एज वेल एज बेस्ट डाइट चार्ट आपको यहाँ से प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।